हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजीव कुमार और आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कोरल रॉक के अंदर कैसे आप इस टाइप के फ्लावर बनाएंगे, कैसे इस टाइप के अगर आपको टैटू बनाने की आवश्यकता पड़ता है तो कैसे बनाएंगे वो इस वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सैंपल यहाँ पर बना करके रखा हूँ, इसमें कलर किया हुआ है और ये बिना कलर का है। तो इस टाइप की टैटू या फ्लावर कैसे बनाएंगे बहुत ही ईजी वे में वो मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। चलते हैं फिलहाल इस टॉपिक की ओर। सबसे पहले कलर करना क्या है समझिएगा। ये देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, इसको बनाना है। तो उसके लिए आपको देखिएगा एक सर्कल गोला ले लेना है, मीन्स आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है इलिप्टिकल पे और यहाँ पे कंट्रोल के साथ, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल के साथ एक सर्कल लेंगे गोलाकार ऐसे कंट्रोल के साथ। और उसके बाद पहले लेफ्ट बटन को आपको छोड़ देना है। देखिए ये इस टाइप से है, तो आपको कुछ नहीं करना। आप यहाँ पर देखिएगा इलिप्टिकल पे और यहाँ पर सेकेंड पॉइंट, सेकेंड आपको एक और सर्कल लेना है ऐसे, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल के साथ ही सर्कल लेंगे। फिर से यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। कंट्रोल डी करने के बाद दोनों को इस तरह से उतना मिलाएंगे, इतना ही मिलाएंगे कि दोनों में एक फ्लावर की तरह ऐसे ये बना हुआ रहे इस तरह का। अब ऐसे सलेक्शन करेंगे दोनों को और यहाँ पर जाएंगे, देखिए लिखा हुआ जिसका नाम है इंटरसेक्ट, आप इस पर क्लिक कर लेंगे और देख सकते हैं यहाँ पर बाहर निकल गया और देख सकते हैं बाहर निकल गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है समझिएगा ध्यान से, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से एक ऐसे ले लेना है सेंटर पॉइंट पे, इस पर क्लिक करके देखिए सेंटर पॉइंट पे ऐसे मिला लेना है ऐसे, ठीक है। ये देखिए सेंटर पॉइंट में आ गया, देखिएगा ध्यान से, तब सेंटर पॉइंट में आ गया क्या ये लाइनिंग ग्रेड लाइन। अब ग्रेड लाइन सेंटर पॉइंट पे आने के बाद आपको इस पर भी क्लिक करके आपको यहाँ पर सेंटर में इसे मिला लेना है। अब यहाँ पर आने के बाद शेप टूल पे ध्यान दीजिएगा, शेप टूल पे चलना है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ देखिए शेप टूल पे जा करके इस पॉइंट पे क्लिक करना है, फिलहाल इस पॉइंट पे डबल क्लिक करके इसको हटा लेना है। स्पीड पॉइंट पर भी राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हो ऐसे, देखिए हट गया। और इस पॉइंट पे क्लिक करके देखिए ये बना हुआ है, इसको हल्का सा ऐसे नीचे की ओर दबाएंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे, ठीक है। और इसको ऐसे बाहर की ओर ऐसे हल्का निकालेंगे, ऐ देखिए ऐसे, ठीक है। देखिए अच्छा लग रहा है क्या, आप अपने तरीके से देखिएगा। मैं बार बार में बताता हूँ कि डिजाइनिंग एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें जितना ज़्यादा टाइम दीजिएगा उतना ज़्यादा बेटर बनेगा, समझ रहे बात को, उतना ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। डिजाइन का मतलब ये होता है, ठीक है। और अपने तरीके से जितना इसको डिजाइन बढ़िया से देख लेंगे, अगर आपको ये परफेक्ट लगने लगे तो आप इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए ये बनने के बाद क्या करना है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद ये जो सेंटर गोला पॉइंट है ना यहाँ पे, इस पॉइंट को पकड़ के जाना है यहाँ पर सेंटर, देखिए लिखा सेंटर लिखा ना, अगर ये सेंटर ना लिखता हो तो समझ लीजिएगा कि ये देखिए व्यू के अंदर ये स्नैप टू ऑब्जेक्ट पे क्लिक नहीं है, आपको क्लिक कर लेना है। अब इस सेंटर पॉइंट को यहाँ पर क्लिक कर लेना है, ठीक है, ठीक है। तो ये 360 डिग्री का पूरा सर्कल होता है यहाँ पे, ठीक है, होता है ना सर्कल कितना 360 डिग्री का, और 360 डिग्री चारों ओर ये जो है शेप इसको चारों ओर घुमाना है। तो मैं फिलहाल 10 शेप को चारों ओर घुमाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर घुमाया हुआ है, यहाँ पर है ना घुमाया हुआ। तो आप कैसे घुमाएंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या है समझिएगा, ये ऊपर डिपेंड करता है कि चारों ओर कितना संख्या चाहिए ए वाला का, ये जो शेप है इसको चारों ओर से कितना संख्या चाहिए। तो जैसे कि मेरे को 10 चाहिए, तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये सर्कल कितना डिग्री का होता है। तो ऐसे तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। अब 360 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल जाएगा, तो 36। तो ये देखिए एंगल जो है ना, ठीक है, यार 36 लिखेंगे कैसे, तो आपको इसी पे क्लिक करके एक बार प्लस बटन प्रेस करना है। प्लस बटन प्रेस करने के बाद आपको इसमें 36 लिख करके इंटर प्रेस करना है, और उसके बाद कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी करके इस तरह से आप चारों ओर इसे फैला लेंगे। फैलाने के बाद करना क्या है, आपको इसको इस तरह से सिलेक्शन करके आपको यहाँ पर ब्लैक कलर ऐसे फिल कर लेना है, देख सकते हैं कि ब्लैक कलर फिल हो गया। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक यहाँ इस तरह से बनाया हुआ है, यहाँ पर वो कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही आसान है, आपको हल्का सा इसको थोड़ा सा साइड में कर लेना है हल्का सा, और यहाँ पर एक यहाँ से त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। अगर वैसे न लेते हैं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ऐसे क्लिक कर लेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे क्लिक, ठीक है, और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये पेन टूल से कर सकते हैं, और यहाँ से व्हाइट कलर भर लेंगे, ध्यान दीजिएगा ये देखिए ऐसे आ गया। ऐसा शेप टूल ले लेंगे और इसको ऐसे ऐसे करके
ऐसे कर दीजिए। अब इसको सिलेक्शन करके पूरी को ऐसे ग्रुप कर लेना है, क्या ग्रुप, और यहाँ से ग्रुप करने के बाद देखिए इस तरह का है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का यहाँ पर है देखिए। तो उसके लिए आपको सिलेक्शन करके ग्रुप तो कर ही लिए हैं आप, अब नेक्स्ट चलना है इफेक्ट में और ऐड टू प्रेसेक्टिव पे क्लिक करके इस तरह का अगर बन गया तो आपको यहाँ से देखिएगा यानी प्लस बन रहा है, आपको ऐसे करना है देखिए ऐसे, देख सकते हैं कैसा बन रहा है, क्या मस्त लग रहा है देख सकते हैं, ये देखिए बन के तैयार हो रहा है क्या। अब उसके बाद क्या करना है इसे समझना है, इस पर क्लिक करने के बाद नीचे की ओर जो इस तरह से बनाया हुआ उसको बनाने के लिए बहुत ही आसान है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना, ऐसे उसके लिए आपको चलना पड़ेगा यहाँ पर, इसका नाम है बेंजियर टूल, बेंजियर टूल पे क्लिक करके एक बार ऐसे क्लिक करेंगे, एक बार यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे, अब फिर से वापस से इसी पर क्लिक करके छोड़ देंगे, सेप टूल चलेंगे और यहाँ पर देखिएगा इस पॉइंट पर क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पर जाने के बाद देखिए लिखा हुआ है एड कन्वर्ट टू लाइन कर्व, आप इस पर क्लिक, और यहाँ से देखिए थोड़ा सा ऐसे, और देखिए यहाँ से थोड़ा सा ऐसे, ठीक है उसी तरह से फिर इस पॉइंट पे क्लिक करके कन्वर्ट लाइन टू कर्व, और यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा अंदर की ओर, और थोड़ा सा ये देखिए ये रो बना ये बाहर की ओर, ये लो क्या मस्त डिज़ाइन बन रहा है जी, ये देखिए तो अगर अंदर की ओर ऐसे मूव करना तो आप ऐसे मूव कर सकते हैं, तो आपको ये देखिए है ना इस तरह का सिंपल, उसी तरह से आपको लेते चलना है, कैसे यहाँ पर चलेंगे उसके बाद इस पॉइंट पे ऐसे क्लिक करेंगे वहाँ से वापस ऐसे क्लिक चलेंगे सेप टूल पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पॉइंट पे और कन्वर्ट टू कर्व, और ये लो ऐसे ठीक है, इसी पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा और वापस से फिर से ये पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ मिलेगा ये लो ऐसे ठीक है, ये देखिए क्या मस्त बन गया जी। मस्त बनने के बाद आपको फिर से ब्लैक कलर लेकर के आपको अपने अनुसार देख लेना कि कैसा अच्छा लग रहा है, और आपस से जितना भी आपको चाहिए कंट्रोल डी से आपको अपने अनुसार ऐसे कर लेंगे, जैसे मेरे को नीचे की ओर चाहिए आपको क्या करना है जी कंट्रोल डी करना है, कंट्रोल डी करने के बाद इसको छोटा कर लेंगे, ये देखिए छोटा हो रहा है क्या, छोटा करने के बाद आप ऐसे कर लेंगे, उसके बाद इसको आप ऐसे सकर करके इस तरह से आप यहाँ से ऐसे सजा सकते हैं, देखिए अगर इधर की ओर भी आप चाहिए तो ये लो कंट्रोल डी में कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपको सेप टूल जाना है, इस पॉइंट पे क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ऐसे करेंगे, ठीक है आप यहाँ से ऐसे करेंगे, तो आपको क्या करना है इधर की ओर आपको डबल क्लिक करके ऐसे राउंड कर लेना है, ठीक है, और आपको इस तरह से ऐसे लगाना है तो लगा सकते हैं ऐसे, कि हो गया क्या। अब इसको ही थोड़ा सा इसको में से सलेक्शन करके यहाँ पर अनग्रुप कर लेंगे, क्या अनग्रुप ऑल, और उसमें से एक को कंट्रोल डी करके बाहर निकालना है, और यहाँ पर भी देखिए ये पॉइंट है ना इसको भी कंट्रोल डी करके ये व्हाइट वाले को बाहर निकालना है, और डबल क्लिक करके ऐसे मूव करते हुए आपको यहाँ पर भी क्लिक करके ये देखिए थोड़ा सा बड़ा करके समझिएगा इस पॉइंट को ऐसे ले लेना है ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये देखिए हो गया क्या। और इसको क्या करना है सलेक्शन ऐसे करके राइट क्लिक करके फिर से ग्रुप कर लेना है, और सभी जगह ऐसे करके इस तरह से छोटा बड़ा करके ऐसे चिपका देना है। तो देख सकते हैं यहां पर बनके तैयार हो गया। तो सबसे पहले तो आपको ये पूरी सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन करके क्या करना है अरेंज में जाकर के ग्रुप कर लेना है, और कलर करना है अगर आपको यहां से अलग अलग तो कलर भी कर सकते हैं, कैसे तो आप देखिएगा यहाँ पर जाएंगे स्मार्ट फिल टूल पे, आप इस पर क्लिक कर लेंगे, और जो जो जिसमें कलर भरना है आप यहाँ से आउटलाइन का कलर नो रखेंगे, और यहाँ से जो भी फिल कलर करना है आप अपने ऐसे क्लिक करके फिल करते चलेंगे, ठीक है समझिएगा ध्यान से, आप इसको ऐसे करके फिल करते चलेंगे जो भी कलर से फिल करना है, ठीक है उसके बाद आपको इस तरह से सलेक्शन करना है, और ग्रुप करने के बाद आपको ये फाइल में जा करके एक्सपोर्ट जाना है, और जैसे मैं पहले भी इतना लोगों में बता चुका हूँ, देखिए यहाँ पर एप्पल का, क्रोम का, गूगल का, टिकटॉक और व्हाट्सएप, अगर ये सारा वीडियो ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब चलिए इसको सेव करते हैं, कैसे तो यहाँ पर जेपीजी बिट मैप लेंगे, यहाँ पर फाइल का नाम दे देंगे जो भी है, जैसे फ्लावर से एक्सपोर्ट कर लेंगे, साइज कुछ भी हो यहाँ से ओके कर लेंगे, ठीक है यहाँ से ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पर ये बनाने के लिए बताया वो सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और फर्स्ट बार इस चैनल पे विजिट किए हैं तो आप एक सब्सक्राइब करते हुए चलिए। धन्यवाद।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ।